नमस्कार साथियों, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2021 का दिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 10-10 अंक बढ़ेंगे, वो क्या व्यवस्था है जिसके कारण 10 अंक एग्जाम पेट एग्जामिनेशन जो आपने दिया उसमें बढ़ेंगे, रिजल्ट में बढ़ेंगे, इसका असर आपके रिजल्ट में पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं कि वो 10 अंक आपके कैसे बढ़ेंगे, कैसे घटेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा, अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर हम बात कर रहे हैं। इसमें न्यूज़ छपी है अंक को लेकर, वो 10 अंक कैसे बढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 पेट में लागू होगी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था, जानिए इसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन जैसे कि किसी शिफ्ट में पेपर के क्वेश्चन हार्ड आए हैं और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जो है नॉर्मल आए हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाती है, उसी को लेकर ये अपडेट है। जिसमें आपके कुछ अंक बढ़ते हैं, जिसमें हार्ड शिफ्ट रहती है उन छात्रों के कुछ अंक बढ़ते हैं और जिनके नॉर्मल शिफ्ट रहती है उनके कुछ अंक घटते हैं, तो यही एक नॉर्मलाइज किया जाता है सारी चीज़ें। फिर 2021 में यूपी ट्रिपल जल्द ही परिणाम घोषित कर सकता है। जैसे आपको पता है कि रिजल्ट आने वाला है और जो इसकी पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को यूपी ट्रिपल एस सी जो है भविष्य में जो वैकेंसी निकलेगी, जैसे लेखपाल हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, जो इस परीक्षा को पास कर लेगा वही उन परीक्षाओं में बैठ सकेगा, तो उसी को मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चांस है साथियों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठाएं। तो कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, इसी को लेकर ये न्यूज़ है। तो पूरा आपका एक मिनट लूँगा और इस पूरी न्यूज़ को डिस्कस कर दूँगा आपकी पूरी तरह सामने। अब आपने यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम दे दिया, अब उसके रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना असर पड़ेगा इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो जिन साथियों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो उनके अंकों में बढ़ोतरी होगी, जिनका कठिन प्रश्न आए थे जिस पाली में और जिनके पाली में आसान प्रश्न आए थे उनके अंक घटेंगे। तो ये कभी कभी 10 नंबर तक इंक्रीज़ हो जाता है तो कभी कभी 10 अंक तक डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपके पाली के ऊपर है कि आपका किस पाली में शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और किस पाली में आपके कठिन प्रश्न थे, आसान प्रश्न थे, तो उसी के ऊपर ये नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू की जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे संबंधित एग्जाम में हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पल पल की अपडेट विभिन्न एग्जामों से संबंधित लाता रहता हूँ। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, अब सीधा एग्जाम राजस्व लेखपाल के लिए होना है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानी है राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा, तो इसको लेकर चच्चू पब्लिकेशन की यह किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम दे दिया तो आपके लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक को यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है राजस्व लेखपाल का, उसी हिसाब से इस पुस्तक को डिज़ाइन किया गया है। आपको 6-7 पुस्तकों का बंडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही पुस्तक पर्याप्त है आपके राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि इस पुस्तक में आपको मिलती है सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और समसामयिक की यानी करंट अफेयर। इस पुस्तक में प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल संपूर्ण थ्योरी के साथ, कंप्लीट थ्योरी के साथ डिटेल में आपको समझाया गया है। उसके साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके लिए आप भटकते रहते हैं, कहीं इधर इस पुस्तक को खरीदेंगे, कहीं उस पुस्तक को खरीदेंगे। तो इस पुस्तक में चच्चू पब्लिकेशन की राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस पुस्तक में आपको सारी जानकारी एक ही जगह आपको मिल जानी है। तो यह पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, एक रामबाण साबित होगा और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इस पुस्तक में आपको 1200 प्लस पाठ्यक्रम अनुसार यानी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1200 प्लस आपको मिल जाएंगे, एक सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो इस किताब की सबसे पहली खूबसूरती है कि ये देख लीजिए आप, राजस्व लेखपाल का पुराना सैंपल पेपर बिल्कुल हल है, बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं उसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की। जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म करते हैं उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की डिटेल थ्योरी आपको दी गई, बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, ऐसे ही हूबहू आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, अपनी नौकरी एक पक्की करना चाहते हैं, राजस्व लेखपाल बनना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जैसे आपको सही लगे इस बुक का ऑर्डर प्लेस करिए और यह पुस्तक आपको आपके नजदीकी बुक सेलर पर जरूर मिल जाएगी। अगर आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी को और धार देना चाहते हैं तो इसकी आप प्रैक्टिस बुक भी खरीद सकते हैं, ये भी नजदीकी बुक सेलर पर आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही ग्राम समाज एवं विकास की भी पुस्तक आपके बुक सेलर पर मिल जाएगी और गाइड भी मिल जाएगी। तो अभी जाइए ऑर्डर प्लेस करिए और अपने सपनों को साकार करिए।